वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ कंपैरिजन करने वाली हूँ आइकॉनिक स्ट्रेटनर वर्सेस फिलिप्स का सेल्फी स्ट्रेटनर। दिस इज व्हाट बोथ द स्ट्रेटनर लुक्स लाइक। नाउ दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो गाइस, मैंने अपने पैसों से ये स्ट्रेटनर खरीदे एंड मैं बहुत लंबे टाइम से इनको यूज कर रही हूँ, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू कंपेयर दीज बोथ द स्ट्रेटनर्स कि आपको कौन सा स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर आइकॉनिक और फिलिप्स। सो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है कि कौन सा स्ट्रेटनर आपको एक्चुअल में बाय करना चाहिए, देन प्लीज वीडियो को एंड तक देखना एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो हम कंपेयर करने वाले हैं इन दो स्ट्रेटनर्स को। फर्स्ट है मेरे पास ये आइकॉनिक का प्रोफेशनल हेयर स्ट्रेटनर एंड दूसरा है मेरे पास ये फिलिप्स का सेल्फी स्ट्रेटनर। दिस इज हाउ बोथ द स्ट्रेटनर लुक्स लाइक। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले ब्रीफ देने वाली हूँ इन दो स्ट्रेटनर्स के बारे में, इनका प्राइस कितना है एंड एक्चुअल में क्या है ओवरऑल ये स्ट्रेटनर्स, देन हम इसके डेमो पे जाएंगे। तो सबसे पहले है मेरे पास ये आइकॉनिक का प्रोफेशनल स्ट्रेटनर। दिस इज व्हाट द स्ट्रेटनर लुक्स लाइक। नाउ इस स्ट्रेटनर का प्राइस है 5250 रुपीज एंड अभी ये सेल पे चल रहा है, तो सेल पे आपको ये अराउंड 3900 to 4000 तक का पड़ जाएगा। इसके अंदर जो प्लेट्स है वो 4.25 इंच की प्लेट्स हैं एंड 1.5 इंच की ब्रॉड प्लेट्स हैं एंड ये जो प्लेट्स हैं ये सिरेमिक प्लेट्स हैं एंड इट्स अ प्रोफेशनल पीटीसी एंड ड्यूल सिरेमिक प्लेट्स। एंड ये जो स्ट्रेटनर है ये हीट अप करता है मिनिमम 150 डिग्री सेल्सियस से एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 230 डिग्री सेल्सियस तक एंड इसके साथ आपको 9 फीट की प्रोफेशनल लेंथ कॉर्ड भी मिल जाएगी। एंड स्ट्रेटनर की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, प्लस माइनस का बटन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको पूरा टेम्परेचर मिल जाएगा, तो जितना भी आपको टेम्परेचर रखना है अपने अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेट चाहिए अपने बाल, तो आप 150 से स्टार्ट कर सकते हो, देन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 230 तक लेके जा सकते हो अपनी हीट को। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिलिप्स सेल्फी स्ट्रेटनर, दिस इज व्हाट द स्ट्रेटनर लुक्स लाइक। नाउ ये है फिलिप्स का सेल्फी स्ट्रेटनर। इस स्ट्रेटनर का MRP है अराउंड 1200 रुपीज, बट अभी ये डिस्काउंट सेल पे चल रहा है तो ये आपको 1100 तक का मिल जाएगा। नाउ इसके अंदर भी सिरेमिक प्लेट्स हैं एंड इसकी जो कॉर्ड है वो 1.6 मीटर लॉन्ग है। इट इज कॉल्ड अ सिल्क प्रो केयर स्ट्रेटनर एंड ये हीट अप होता है 210 डिग्री सेल्सियस तक। नाउ इस स्ट्रेटनर की एक बुरी बात ये है कि इसमें आपको ऑन ऑफ का बटन तो मिल जाएगा, बट इसमें आपको हीट अप का कोई बटन नहीं मिलता। अभी कोई भी आपको मार्किंग नहीं मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेटनर कहां तक हीट अप हो रहा है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 210 डिग्री तक ही हीट अप करता है एंड देयर इज नो वे कि आप हीट को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, आपको 200 तक ही रखना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट बोथ द स्ट्रेटनर लुक्स लाइक। आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रेटनर है आइकॉनिक वाला, ये काफी ज्यादा लग्जूरियस सा लग रहा है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये जो सेल्फी स्ट्रेटनर है ये बहुत ही टाइनी माइनी सा छोटू सा स्ट्रेटनर है। इट्स नॉट वेरी बहुत छोटू, मतलब हाँ एक रेगुलर स्ट्रेटनर जैसा होता उससे थोड़ा सा छोटा स्ट्रेटनर है। नाउ अगर मैं इनकी लेंथ की कॉर्ड की बात करूं तो यहां पे मुझे काफी ज्यादा लंबी लेंथ की कॉर्ड मिल जाती है। ये 9 मीटर की इसकी कॉर्ड है, तो आप इसको बहुत दूर तक भी आराम से लगा सकते हैं। इसकी कॉर्ड है सिर्फ 1.6 मीटर लॉन्ग एंड यू कैन सी लिटरली मैं इसको बहुत ही दूर पे डिस्टेंस पे नहीं लगा सकती, बहुत पास से मुझे इसको लगाना पड़ेगा, देन ही मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर सकती हूँ। नाउ अब हम चलते हैं इसके डेमो पार्ट पे, मैं आप लोगों को दोनों का डेमो करके दिखाऊंगी। राइट साइड पे मैं करूंगी आइकॉनिक वाले से एंड लेफ्ट साइड पे मैं करूंगी फिलिप्स वाले से। सो गाइज, मैंने अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है एंड इस साइड में सबसे पहले करने वाली हूँ आइकॉनिक वाले से अपने बालों को स्ट्रेट एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मैं रख रही हूँ 190 डिग्री तक, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप हो जाता है, तो आई डोंट वांट टू बर्न माय हेयर, या मैं बहुत ज़्यादा हीट नहीं देना चाहती अपने बालों को, सो इसलिए मैं 190 टू 200 तक ही रखूँगी इसको। सो गाइज, राइट साइड मेरी डन है आइकॉनिक वाली साइड एंड दिस इज व्हाट द राइट साइड ऑफ माई हेयर लुक्स लाइक।
बहुत ही ज्यादा नेचुरल से बहुत ही ज्यादा शाइनी लग रहे हैं। यू कैन सी मैंने अपने बालों में कुछ भी नहीं अप्लाई किया, आई जस्ट वॉश माय हेयर यस्टरडे, मैंने कल वॉश किए थे एंड उसके बाद मैंने कल साथ के साथ थोड़ा सा सीरम लगाया था। अदर देन दैट आज मैंने कोई हीट प्रोटेक्टर नथिंग कुछ भी नहीं लगाया अपने बालों में एंड दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक। आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्मूथ सिल्की शाइनी लग रहे हैं मेरे हेयर एंड काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। यू कैन सी नाउ मूविंग ऑन टू द फिलिप्स पार्ट। अब हम ट्राई करते हैं फिलिप्स वाला स्ट्रेटनर। ओके गाइज, सो वी आर डन एंड आप देख सकते हो दिस इज वॉट बोथ द हेयर लुक्स लाइक। नाउ ये वाली जो साइड है ये मैंने की है आइकॉनिक के स्ट्रेटनर से, सो दिस इज वॉट माई हेयर लुक्स लाइक। बहुत ही ज्यादा नेचुरल, सिल्की स्मूथ एंड शाइनी लग रहा है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा मैनेजेबल लग रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा सिल्की लग रहे हैं एंड यहाँ पे कोई भी फ्रिज भी नहीं है एंड दिस इज वॉट द फिलिप्स साइड लुक्स लाइक। ऑनेस्टली बताओ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छी तरह से कि जितना मैंने प्रेशर इतना इस साइड दिया, जितना टाइम मैंने इस साइड लगाया मैं प्रॉपरली उतना टाइम इस साइड लगाऊं, बट दिस इज व्हाट द फिनिश लुक्स लाइक। आप देख सकते हो यहाँ पे हल्के हल्के फ्रिज रह गया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की कि मैंने इधर ज़्यादा अच्छी तरह किया इधर कम अच्छी तरह किया है, मैंने प्रॉपरली आप लोगों ने भी वीडियो में देख लिया मैंने बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ स्ट्रेट किया है एंड दिस इज व्हाट द फिलिप्स साइड लुक्स लाइक। आप देख सकते हो ऑनेस्टली नॉट वेरी बैड, इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है ये साइड, बट आप देख सकते हो हल्का सा यहाँ पे फ्रिज मेरा रह गया है एंड इफ़ आई कंपेयर दिस साइड विद दिस साइड तो आप देख सकते हो इसमें इतनी शाइन नहीं है। यू कैन सी ये वाला जो आपको देख रहे हो आप ये बाल, ये बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है, ठीक है, एंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा शाइन नहीं है। शाइन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे फ्रिज थोड़ा सा रह गया, फ्रिज कंट्रोल इतना नहीं हुआ एंड जो बाल हैं ये हल्के हल्के, ये देखो फ्रिजीनेस रह गई है। सो एंड ये मुझे इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं लग रहे अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ। वैसे ऑनेस्टली अगर मैं इसको आइकॉनिक वाले को ना देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बट अगर मैं सिर्फ इसको देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अगर इसके साथ मैं कंपेयर करूँ तो इतने ज़्यादा स्मूथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। ओके गाइस, सो दिस इज व्हाट बोथ द हेयर लुक्स लाइक। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, काफ़ी ज़्यादा शाइनी, अच्छे लग रहे हैं मुझे हेयर। एंड अगर हम बात करें रिजल्ट्स की तो मैं ऑनेस्टली सच्ची बताऊँ मैं इसमें किसी को भी विनर नहीं मानती क्योंकि दोनों ही जो स्ट्रेटनर है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अपने आप में। अगर हम बात करें आइकॉनिक स्ट्रेटनर की, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटनर एंड बहुत ही अच्छा है ओवरऑल। इसका जो लुक आता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं करता, ये आपके बालों को सिल्की स्मूथ कर देगा एंड काफी ज्यादा अच्छे स्ट्रेट कर देगा। एंड ऑनेस्टली बताओ इसमें मुझे इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको स्ट्रेट करने में। बट अगर मैं बात करूँ फिलिप्स स्ट्रेटनर की तो फिलिप्स स्ट्रेटनर भी काफ़ी ज़्यादा, इतने ज़्यादा फ्रिज कंट्रोल नहीं हुआ, बट हाँ स्मूथ तो लग रहे हैं मेरे हेयर अगर मैं इसको अकेले देखूँ। सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटनर, बट अगर मैं इनके प्राइस को कंपेयर करूँ तो प्राइसेस आर लाइक डबल से भी ऊपर है। ये अराउंड 5300 का आपको पड़ता है MRP एंड ये है 1200 का आफ्टर डिस्काउंट, ये आपको 4000 तक का मिल जाएगा या कभी ज़्यादा सेल लगी होगी तो 3500 तक का मिल जाएगा एंड ये आपको डिस्काउंट के बाद 1000 रुपए तक का भी मिल जाएगा। सो अगर मैं प्राइस के अकॉर्डिंग कंपेयर करूं तो प्राइस के अकॉर्डिंग जीतता है ये फिलिप्स वाला, लेकिन अगर मैं इसको ओवरऑल क्वालिटी, ओवरऑल यू नो हेयर स्ट्रेटनिंग के पर्पस से कंपेयर करूं तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये आइकॉनिक वाला। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेटनर गाइज, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की, सो हर बंदा, हर यू नो इंडिविजुअल नहीं अफोर्ड कर सकता एक 5000 का स्ट्रेटनर, चाहे आप डिस्काउंट पे भी
ले लो तो 4000 का स्ट्रेटनर हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। वेल अगर मैं बात करूँ अफोर्डेबिलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, किसी के लिए 1000 रुपये भी अफोर्डेबल नहीं है, किसी के लिए 5000 भी अफोर्डेबल नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट, योर पॉकेट। अगर आप इतना स्पेंड कर सकते हो एंड अगर आपको चाहिए एक अच्छा सा स्ट्रेटनर, आपको बहुत ज़्यादा बार बार इन्वेस्ट नहीं करना, अगर आप थक चुके हो अपने स्ट्रेटनर्स को यूज़ कर करके एंड कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं, एंड अगर आपको चाहिए कुछ अच्छा सा स्ट्रेटनर जिसमें आपको एक ही बार इन्वेस्ट करना है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन आइकॉनिक वाला। बट हाँ, अगर आपका उतना बजट नहीं है 4000-5000 वाला एंड आपको चाहिए बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स वाला स्ट्रेटनर जो अच्छा काम करे प्लस थोड़ा सा अफोर्डेबल भी हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द फिलिप्स वन, बिकॉज फिलिप्स वाला भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर मैं उसके प्राइस के अकॉर्डिंग बात करूँ। सो ऑल इन ऑल गाइज, ये दोनों ही स्ट्रेटनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अपने आप में। Alright, you guys, that is it for today's video. I hope you like this video. I hope आपको ये comparison अच्छा लगा होगा iconic straightener में and Philips के straightener में. Let me know in the comments down below आपको ये video कैसे लगा. And इन products का जो link है वो नीचे आपको description box में मिल जाएगा. So make sure आप description box अच्छे से check कर लेना. And yes, अगर आपको video अच्छे लगे हो तो आप कर सकते हैं मेरे channel को subscribe. इस video को like and share अपने friends के साथ. And yes, मैं Instagram पे बहुत ज़्यादा active रहती हूँ. आप मुझे follow कर सकते हो Instagram पे. एंड या मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।